खोला हेबो कि महाप्रभुंक रत्नभंडार सुरक्षित अछि त महाप्रभुंक महण महण स्वर्ण अलंकार। 2018 एप्रिल 4 तारिख रे रत्नभंडार खोलिबाकु निष्पत्ति नैथिले सरकार। हेले निष्पत्ति कु 3 वर्ष पुरुथले भी ना खोलिला रत्नभंडार ना जांच हेला महाप्रभुंक सुना अलंकार। तेबे श्रीमंदिर परिचालना कमिटर वरिष्ठ सदस्य रामचंद्र दास महापात्र कहिछन्ति रत्नभंडार खोलिबाकु कमिटी सरकार को सुपारिश करिवो। परिचालना कमिटी मध्ये राज्य हिची किंतु परिचालना कमिटी आपनकर मंदिर आइनी रे अछि आपणकर प्रथमे तार रत्नभंडार सब कमिटी रे निष्पत्ति ग्रहण करा जिवो तापर परिचालना कमिटी निष्पत्ति करिवो तापर राज्य सरकार कर संपूर्ण अधिकार होची रत्नभंडार राज्य सरकार कर अनुमति आसिला परे निश्चित भाबरे रत्नभंडार खोला हबो। श्रीमंदिर रेकर्ड ऑफ राइट अनुसार प्रति 3 वर्ष रे थरे रत्नभंडार खोला जाई इन्वेंटरी होबा कथा। शेष थर पर 1985 मसीह रत्नभंडार खोला जाई इन्वेंटरी करा जाइथिला किंतु 1985 मसीह परठारु एजाबत रत्नभंडार खोला जाई नाही। 2018 एप्रिल 4 तारिख रे रत्नभंडार खोलिजबाकु स्थिर होइथिला। 16 जणिया सदस्य समस्त प्रस्तुति स भितर रत्नभंडार खोलिबाकु जाइथिले मात्र भितर भंडार चाबी नथिबारु बाहर भंडार रु भितर भंडार स्थिति देखि वैषयिक टीम एवं अधिकारी माने फेरि आसीथिले। या परे चाबी हजबा नै संदेह बढ़िथिला। रत्न भंडार रत्न सुरक्षित अछि कि नाही से नै मध्य विवाद बढ़िथिला। तबे जून 13 तारिख रे जिला रेकर्ड रूम रु एक लफाफा भितर मिलिथिला रत्न भंडार नकली चाबी। एटी प्रश्न उठुछि जदि डुप्लिकेट चाबी मिलिला तबे रत्न भंडार खोली भक्तक आशंका दूर करबा पई काहि कि पदक्षेप नेउ नाती सरकार। तुरंत रत्न भंडार खोली अलंकार जांच पई दाबी करिसथि सेवायत समस्त मन रे संदेह जे महाप्रभु से अलंकार ठीक अछि कि नाही सेवायत पई भी आंगुल निर्देश आसला तेणुक आम तो प्रथम कहूँ आज भी कहूँ महाप्रभु जिनस सब सुरक्षित अच्छी कौन सी प्रकार एपट सेपट होना आदि भी से डुप्लिकेट चेक मिली तेल राज्य सरकार जी पदक्षेप नहींकर सतीसा निजोग परिचालना कमिटी सागर अनुमति नहीं आलोचना करी फिटी पुणी सर्वसम्मति क्रम ना जिन महाप्रभु ठीक अच्छी सर्वसाधारण भक्त जानवाक चाहिए निश्चित भाव कौन असुविधा ना देहरे विकास कमिशन रिपोर्ट दाखल कर 2 वर्ष पूरीगला किंतु सरकार जो विलंब करफर कि भक्त मान मन सन्देह जात होते विलंब करेंगे भक्त मान से सन्देह उपजीव भक्त मान मन सन्देह काले कौन किसी मानते गड़बड़ हो कि सरकार कहीं डर सरकार मंद उद्देश्य अच्छी कि सरकार ये किसी भूलभटा कर सरकार जिते विलंब करेंगे भक्त मान से मानते सन्देह अधिक जात हो तथाशीघ्र यह सर्वसाधारण प्रकाश कर आवश्यक। अन्य पक्षे रत्नभंडार चाबी हजवा घटनार तदंत पई सरकार रघुवीर दास कमिशन गठन करथिले। तदंत बाबद को खर्च होइतिला 22,27,918 टंका। कमिशन रिपोर्ट दाखल करबाकु 3 वर्ष पुरिला किंतु रिपोर्ट रे कोन अछि आज जाय केइ जानि पारिले नाही कि चाबी हजवा रहस्य उपरु परदा उठि पारिला नाही। एबे सरकार एने स्पष्ट करबाकु सबु महलरु दाबी होइछि जे डुप्लिकेट चाबी त कहउछन्थि सबु वाला जोडे चाबी थाए ओरे ओरिजिनल डुप्लिकेट आमो घरे मते जोडे जोडे चाबी थाए तो डुप्लिकेट मिलला डुप्लिकेट मिलला खोला जाऊ ताको खोलिया पई काहेकी ताव टोन इत अवलंबन करा जाउची काहेकी काव विलंब करा जाउची डुप्लिकेट कहीं काहे रखा जाउची निश्चित ए प्रसंग अंतपक्ष जे कोनसी विधायक मत उठैया उचित कारण एटा उचित एटा उचित ओडिसार लोकमानक स्वार्थ रिपोर्ट सार्वजनिक होबा उचित टंका रिकवरी होबा उचित रत्नभंडार खोलिबा उचित चाबी ओरिजिनल कि डुप्लिकेट ता मध्य प्रमाणित होबा उचित तेणु एतक जदि करा न जाए तले आगामी दिन रे जनसाधारण केबे क्षमा देबे नाही। जगन्नाथक ना कहिकिरी खेल किए खेलुचे तेटा ओडिसावासी देखिछन्ती रत्नभंडार चाबी हजिबा पाइबा तापे कमिशन बसेबा कोटि लख लख टका खर्च करबा एवं वर्तमान सुधा मध्यम रत्नभंडार कौन अछि न कहिबा एथुर जणा पडुचि राज्यर थिबा सरकारर जगन्नाथ प्रति केते आंतरिकता अछि। एबे प्रश्न जदि नकली चाबी अछि तबे काहे कि रत्नभंडार खोली सुना अलंकार जांच करुनांती सरकार कुआडे गला रत्नभंडार रो असल चाबी कौन अच्छी रघुवीर दास कमिशन को रिपोर्ट रे काहे कि एने मुह खोलु नांती आईन मंत्री। पुरी रो वीडियो जर्नलिस्ट सनातन को स आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।